हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल। स्वागत है आपका मेडिकेयर जोन में। आज हम बात करेंगे पसीने और पसीने की बदबू से कैसे छुटकारा पाएं। दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। गर्मियाँ आते ही जहाँ एनर्जी लेवल ज़ीरो हो जाता है, वहीं पसीने की बदबू जीना दुभर कर देती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पसीने में गंध नहीं होती? जब हमारे शरीर के बैक्टीरिया पसीने में मिल जाते हैं, उसके बाद ही पसीने से बदबू आती है। डियो परफ्यूम भी कुछ देर बाद उड़ जाते हैं और पसीने की बदबू बनी रहती है। आज हम आपको चार ऐसे नुस्खों के बारे में बताएंगे जिससे गर्मियों में आपके पसीने से बदबू नहीं आएगी। पहला नुस्खा, नींबू का इस्तेमाल करें। पसीने की बदबू दूर करने के लिए नींबू सबसे असरदार विकल्प है। रोजाना नहाने के पानी में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर नहाने से पसीने की बदबू दूर होती है। दूसरा नुस्खा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। एक चम्मच बेकिंग सोडा में ताजे नींबू का रस मिलाएं, फिर उसे अंडर आर्म्स में लगाएं। इससे आपके शरीर से पसीना भी कम निकलता है और पसीने की बदबू भी दूर होती है। तीसरा नुस्खा, फिटकरी का इस्तेमाल करें। फिटकरी हमारे शरीर से पसीने की दुर्गंध दूर करती है। इसके लिए नहाने के पानी में एक चुटकी फिटकरी का पाउडर मिलाएं। इससे हमारे शरीर से पसीना कम निकलता है और बदबू भी नहीं आती। चौथा नुस्खा, सिरके का इस्तेमाल करें। इसकी वजह से हमारे शरीर से आने वाली बदबू कम होती है। आप नहाते समय एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा सिरका डालकर नहाएं। इससे आप बिल्कुल तरोताजा महसूस करेंगे। दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें। पसीने की बदबू से दूर रहने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप धुले कपड़े पहने। उतारे गंदे कपड़ों में जल्दी जीवाणु पनपते हैं। इससे ना केवल पसीना बदबू करता है, साथ ही स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। अपना पेट साफ रखें, कब्ज की वजह से भी दुर्गंध आती है। बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज जैसी गर्म तीव्र गंध वाली चीज़ों से बचें। इसकी वजह से भी पसीना अधिक आता है और दुर्गंध भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, सही हाइजीन के बिना आप एक स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। इसलिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें, ताकि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।